एक चीज़ आपको और बता दूँ, कोई भी गाड़ी आप हमसे लो, ऑन पेपर गारंटीज है गाड़ी की नॉन एक्सीडेंटल होगी, नॉन डोमिनेटेड टैम्पर्ड होगी, एंड हम गाड़ी ट्रांसफर करा कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। पैन इंडिया बिलिंग, पैन इंडिया एवरीथिंग इज अवेलेबल, पैन इंडिया डिलीवरी होती है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको बस करना है हमें कॉन्टैक्ट करना और गाड़ी की डील लेनी है। लाख से लेके 4 करोड़ 50 लाख तक की कार्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो भी एक गाड़ी लेता है द फर्स्ट ओनर बनेगा। जी ये यूज कार में कभी आपने देखा है कि आफ्टर सेल सर्विस भी होती है? बहुत कम यार, मतलब हर चीज एक काम से होती है, बट यस वी प्रोवाइड दैट। हम पूरे अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं, आपको गाड़ी ले जाने के बाद भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है इवन कॉन्टैक्ट अस, पूरी हेल्प करेंगे। अरे थोड़ा ऑटो पैशन पूरे नंबर वन पे। थैंक यू सो मच। अलग ही इसका एक हेड टर्नर कार कैसे प्रेजेंस भी इसके अलग ही है। बिल्कुल सेकेंड शोरूम का मैं टूर देने वाला हूँ। यहाँ पे जो कलेक्शन है ना यार, देख के मजा आ जाएगा। एक कलेक्शन देखो, ये देखो लैम्बोर्गिनी उरुस। भाई मार्केट में गाड़ी नहीं है भाई, आओ। सो एक बार आपको शोरूम टूर कराता हूँ। गाइस ये देखो, ये जो है ऑटो पार्ट्स एम्पोरियो का ये सेकंड शोरूम है, एंड यहाँ पे हमें मिलते हैं अपने नमन भाई। नमन भाई कैसे यार आप? एकदम बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे? मैं बस एकदम बढ़िया भाई। सो नमन भाई जो है बेसिकली सारे शोरूम को यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। जी भैया। सो नमन भाई, वहाँ पे तो कलेक्शन नो डाउट बहुत ऑसम थी, लेकिन यहाँ पे तो और भी ऑसम है। और नो डाउट यार, ये देखो लैम्बोर्गिनी उरुस है, X7 है, डिफेंडर है, मतलब यहाँ की भी कलेक्शन नो डाउट और ये दोनों ही शोरूम की जो कलेक्शन है आप कह सकते हो इक्वल है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैव एडेड अ डिस्प्ले, कि वहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले थोड़ी कम थी, यहाँ पे डिस्प्ले और एड ऑन हो गई है। तो आपको अब दोनों जगह ऑटो बेस में हमें गाड़ियाँ मिलेंगी। आप कहीं पर भी आए विजिट करें, राजौरी गार्डन पे, मेन रिंग रोड पे, D4 एंड C4। सो गाइस बता दूं, जो फर्स्ट शोरूम है वो है आपका हल्दीराम के ऊपर लोकेशन। अब एंड अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो गाइस अगर आपको बैक में दिखाऊंगा, ये देखो जो सेकंड शोरूम जो है इनका कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके अपोजिट जो है इनका सेकंड शोरूम है ये। तो कभी आप आती हो तो मतलब आपको कोई इशू नहीं होता, मतलब आपको सीधा कोटक महिंद्रा के अपोजिट आपको आना, ठीक है ना? बिल्कुल। सो नमन भाई सबसे पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं बीच से। श्योर। ये कार गाइस एक ऐसी है मार्केट में ये अवेलेबल ही कहीं नहीं है, बड़े से बड़ी डीलरशिप पे भी देख लो कहीं ये कार अवेलेबल नहीं है। एक अवेलेबल है जो कि एट अ टाइम है, और अवेलेबल के साथ साथ ये बिल्कुल ही रीसेंट मॉडल 2022 मॉडल है, 4000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। आस्किंग इसके हम कर रहे हैं 4 करोड़ 29 लाख 75 थाउजेंड। ओके, 4 करोड़ 29 लाख 75 थाउजेंड। एंड सिनेमेटिक्स में आपने गाड़ी देख ली होगी, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है। और बता दूं भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई फिलहाल तो, नहीं है मतलब एक प्रैक्टिकल अगर स्पोर्ट्स एसयूवी की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। सो सबसे पहले आपको दिखाई, अब नेक्स्ट आपको लेके आता हूँ गैस, ये है आपकी मिनी कूपर कन्वर्टेबल। गैस ये भी कार जो है बहुत वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो आज के टाइम में है भैया, मतलब इससे ऊपर अभी मतलब कन्वर्टेबल में लोग प्रेफर ये करते हैं। प्लस दिस इज द करंट शेप जो कि इसमें नए वाले हेडलैम्प्स है, पीछे यूनियन जैक लैम्प्स है, अंदर गियर नॉब नया वाला है, स्टेयरिंग नया वाला है। 2021 मॉडल, 9000 किलोमीटर्स डन, इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं 54 लाख 75 थाउजेंड ओनली। एंड सबसे बड़ी बात है बजट फ्रेंडली है, एज कंपेयर्ड टू अगर हम और इसको हम कन्वर्टेबल्स में जाते हैं तो Z4 SLK वो इसे काफी अपर रेंज में जाते हैं। इसके में प्राइस बताया 54 लाख 75 थाउजेंड। सो 54 लाख 75 थाउजेंड जो एक नेगोशिएबल प्राइस है भाई। जी ठीक है। सो नेक्स्ट हम दिखाते हैं मर्सिडीज बेंज एस क्लास। गैस ये देखो, तो ये जो अभी हमारी शेप आ रही है करंट, उससे एक पहले वाली शेप है जिसमें आप ये देख रहे हो 3 DRL वाली लैम्प्स आ गए थे। ओके, लाइक दिस वन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये इंटेलिजेंट लैम्प्स है मर्सिडीज के, और ये 2020 मॉडल है गाड़ी, चली हुई है 32,000 के अप्रॉक्स। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कोई किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। एंड वी आर आस्किंग 89 लाख 75 थाउजेंड ओनली। 89 लाख 75 थाउजेंड। एक चीज़ आपको और बता दूँ, कोई भी गाड़ी आप हमसे लो, ऑन पेपर गारंटीज है गाड़ी की नॉन एक्सीडेंटल होगी, नॉन डोमिनेटेड टैम्पर्ड होगी, एंड हम गाड़ी ट्रांसफर करा कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। पैन इंडिया बिलिंग, पैन इंडिया एवरीथिंग इज अवेलेबल, पैन इंडिया डिलीवरी होती है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको बस करना है हमें कॉन्टैक्ट करना और गाड़ी की डील लेनी है। और गैस मैं आपको एक बार बताऊंगा, ऑटो बैट्स एम्पोरियो ज्यादा टाइम नंबर वन पे, क्यों? क्योंकि अपनी सर्विसेज की वजह से। आप यहाँ पे कार्स देखोगे, कार्स यार नो डाउट नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन यहाँ पे कार्स है। आप ये एस क्लास देख लो, लैम्बोर्गिनी उरुस देख लो, मिनी कूपर देख लो। ये यूज कार में कभी आपने देखा है कि आफ्टर सेल सर्विस भी होती है? बहुत कम यार, मतलब हर चीज़ एक काम से होती है, बट यस वी प्रोवाइड दैट। हम पूरे अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं, आपको गाड़ी ले जाने के बाद भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है इवन कॉन्टैक्ट अस, पूरी हेल्प करेंगे। अरे थोड़ा ऑटो पैशन पूरे नंबर वन पे। थैंक यू सो मच। सो गाइस इसकी डिटेल हो गई, अब आपको सेडान में नहीं जाना है, हम आपके लिए लग्जरी एसयूवी की लेके आए हैं गाड़ी। ये है आपकी गैस BMW की X7, जो कि आपकी है 7 सीटर वेरियंट। हाँ जी।
भाई डिटेल ये कैप्टन सीट्स वाली कार है okay. और ये है 2021 मॉडल, डीजल वेरिएंट में है ये, चली हुई है 19,000 के अप्रॉक्स, इसके मासिंग कर रहे हैं 1,18,75,000। ओके ठीक है। एंड गाइस कलर भी देख लो, बहुत इसका अट्रैक्टिव है, ब्लैक कलर की गाड़ी है और ब्लैक कलर आपको पता है आज के टाइम पे भाई बहुत मोस्ट डिमांडिंग कलर, मतलब ब्लैक में वैसे भी हर गाड़ी ऑलमोस्ट अच्छी लगती है। अब ये मेरी प्रेफरेंस है, बाकियों की मेरे को नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द कार्स लुक ग्रेट इन ब्लैक कलर। वो तो है भाई। सो इसकी डिटेल होगी। अब साथ में जो आप देख रहे हो गाइस वो गाड़ी है आपकी लैंड रोवर डिफेंडर 2 लीटर वेरिएंट। जी दिस इज 2 लीटर वेरिएंट पेट्रोल, 110 है ये, एंड ये है 2021 मॉडल, 19,000 के अप्रॉक्स ड्रिवन है और इसके हम आस्किंग कर रहे हैं 1,19,75,000 ओनली। इसका एक बार आप कलर का नाम बताओगे? यार ये तो कलर मुझे ब्लू लग रहा है। पूरा नाम? इतना नहीं पता भाई। कलर का नाम है तस्मान ब्लू। तस्मान ब्लू, तस्मान कह सकते हो, टैस्मान कह सकते हो, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन पे कैसे करोगे, बट कलर का नाम ये है। लेकिन नो डाउट यार गाड़ी बहुत अट्रैक्टिव है, एंड बता दूँ लैंड रोवर डिफेंडर एट अ टाइम मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबल है, तो अगर आप लैंड रोवर डिफेंडर 2 देख रहे हो तो ऑप्शन एट अ टाइम अवेलेबल है और इस बात की गारंटी है, कार जो है नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन है। बाकी अब आपका फर्ज बनता है कि अगर आपको गाड़ी पसंद है आप आओ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, एंड जो बेस्ट रिगार्ड होगा वो भाई आपको ऑन टेबल करके देंगे, ठीक है ना। सो गाइस इसकी डील होगी, अब आपको आइए आगे लेके चलता हूँ। सो गाइस अब ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये आपका मर्सिडीज बेंज का कंपेटिटर है, BMW की 7 सीरीज। ये जो है गाइस आपकी 730 LD कौन सी भाई है? ये है 730 M Sport। 730 M Sport। अभी आपको बता दो इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक 730 M Sport, एक LD भी अवेलेबल है सिग्नेचर वेरिएंट, वो 17 मॉडल है, ये 16 मॉडल है। तो 730 M Sport जैसे हुई तो ये आपकी डीजल होगी पेट्रोल होगी? डीजल वेरिएंट। ओके डीजल है। हाँ जी, मतलब 730 LD जो होती है डीजल और 730 M Sport है डीजल है, दोनों ही डीजल वेरिएंट है। ठीक है, अब इसकी भाई डिटेल हो जाए। ये है 2016 मॉडल, 55 के अप्रॉक्स गाड़ी चली हुई है, आस्किंग इसकी कर रहे हैं 53,75,000। 53,75,000 जी। एंड अगर मैं बात करूँ कि भाई एट अ टाइम ऑटो वर्ल्ड पे चाहे कोई भी कार देखो, इवन जो आपने 2014 मॉडल की मर्सिडीज बेंज दिखाई थी, कोई कह नहीं सकता यार कि ये 14 मॉडल है गाड़ी। इसमें दो तीन चीजें अपग्रेड भी करी हुई हमने, आप अभी आगे चलेंगे हम आपको मैं आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें अपग्रेड कराई हुई हमने। ओके ओके, सो इसकी डिटेल हो गई गाइस। अब नेक्स्ट, अब आपको पेट्रोल डीजल से कुछ हटके चाहिए तो गाइस ये है आपके लिए हाइब्रिड वेरियंट टोयोटा कैमरी। ये बिल्कुल ही रीसेंट मॉडल है भैया, 2022 मॉडल है, 6,000 किलोमीटर्स चली हुई है और इसके हम आसिंग कर रहे हैं 45,75,000 ओनली। हाइब्रिड कार है। ओके, एंड आई थिंक हमने दूसरे शोरूम पे भी दिखाई थी जी, वहाँ भी कॉफी कलर की। आपको ऑटो बेस्ट आए हो तो ऐसा नहीं है आप खाली ऐसे ही जाओगे, आपको यूज कार में भी ऑप्शन मिलेंगे। okay, मतलब पहले होता था कि नई गाड़ी ले रहे हो आपके पास ऑप्शन है चूज करना है, यूज कार में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, बट नहीं हमारे पास अब वो कंसेप्ट भी चेंज हो गया, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके ओके ठीक है। सो अगर आपको इसके अलावा एक वहाँ पे कॉफी कलर की अवेलेबल है वो भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन कार है, इसकी तरह अगर आप वो भी 2022 मॉडल है, 11,000 ड्रिवन है कार। ठीक है, अगर आपको कलर वेरिएंट या कुछ और कुछ देखना है तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना भाई से, नंबर यहाँ पे सामने प्रोवाइडेड है। ठीक है गैस, अब नेक्स्ट गैस इसकी हम बात कर रहे थे मर्सिडीज बेंज एसला की। नमन भाई ऑनेस्टली एक बार बताऊँ, ये किसी एंगल से पहले मुझे लगा ही नहीं था कि गाड़ी 2014 मॉडल है, इसकी मतलब जैसे कि इस गाड़ी को मेंटेन किया गया, मतलब रखा गया। तो ये गाड़ी आपके लिए दे दूँ फिर, आप ले जाओ। अरे यार हाँ यार, चल कभी जल्दी से जिस दिन लक अच्छा हुआ उस दिन ऑटोमेटिक से जरूर लेके जाएंगे अपनी फर्स्ट ड्रीम कार, लग्जरी कार। सो ये गाड़ी हो गई आपकी 2014 मॉडल भैया, इसमें 14 मॉडल है भैया। आपको मैं अब अपग्रेड बताता हूँ, इसमें आगे मेबैक की ग्रिल इंस्टॉल करी हुई है। ओके ठीक है। उसके साथ साथ अंदर जो स्टेयरिंग व्हील है वो मेबैक का जो करंट मेबैक की शेप आ रही है उसके वाला इंस्टॉल करा हुआ है, प्लस जो AC वेंट्स की ग्रिल्स है वो भी चेंज कराई हुई है। तो मेरा मेन 3 जो मेजर चीज़ है वो ये है जी, ग्रिल, स्टेयरिंग एंड आपके AC वेंट्स। जी ठीक है, तो 14 मॉडल की गाड़ी है, पेट्रोल में डीजल में? डीजल में भी। अच्छा, अब हम बात करेंगे हम इसका क्या कोट करने वाले भाई? इसके हम आस्किंग कर रहे हैं 39,75,000 ओनली, मतलब यू आर यू कैन ओन एन एस क्लास इन 39 लाख। उसमें मैं छोटा मोटा रिगार्ड जरूर करूंगा ऑन टेबल जो भी कस्टमर्स आएंगे। okay. तो आप एक एस क्लास भी ओन कर सकते हैं इस प्राइस के अंदर, किसी का कोई ज्यादा पॉकेट नहीं है, वो नहीं खसना चाहते इतना, बट एस क्लास लेना चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बाकी क्या आपको मिलेगी 2014 मॉडल 39,75,000 की, उसके बाद ऑन टेबल नेगोशिएबल है, वो जब आप आओगे तो बैठ के बात करना, पूरा रिगार्ड जो रिगार्ड होगा वो किया जाएगा। अब गाइस ये कार जो है ये आपकी एक और शानदार गाड़ी है, ये आई थिंक 10,000 से भी लेस ड्रिवन है गाड़ी है। बिल्कुल लेस ड्रिवन है। अभी मैं आपको बता दूं इसमें भी हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन थे, 2 गाड़ियां बिक चुकी हैं, अभी 2 गाड़ियां अवेलेबल हैं। ये वाली गाड़ी जो है 2021 मॉडल है, 7,400 किलोमीटर चली हुई है और इसके हम आस्किंग कर रहे हैं 59,75,000 ओनली, एंड टेक्नोलॉजी वेरिएंट है ये। एंड सबसे बढ़िया बात कि ये एक ऐसी गाड़ी जो आज के टाइम में दिल्ली के हमारे भाई सबसे ज्यादा मांगते हैं, पेट्रोल गाड़ी। तो गाइस पेट्रोल वेरिएंट में 2021 मॉडल अवेलेबल है, A6 7,400 चली हुई, 59,75,000 इसका कोट किया गया है। बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल है, कार की कंडीशन देखना, आप अंदर से इंटीरियर के सिनेमैटिक शॉट्स देखो और बाहर से देखो, गाड़ी पूरी वेल मेंटेन्ड है। बाकी आप आओ
इस गाड़ी को देखो, इससे बढ़िया गाड़ी नहीं मिलने वाली। अगर इसके अलावा आपको और ऑप्शन चाहिए तो जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो सेम कलर है, कुछ कलर अलग है, व्हाइट कलर है। आप सारे ऑप्शन हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देख सकते हो, किसी भी चीज़ की क्वेरी है आप उस पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई न्यू कार ऐड होती है भाई के स्टॉक में तो सबसे पहले वहाँ पे अपडेट होता है, वीडियो से भी पहले, तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करना ना ऑटो बेस्ट एम्पीरो के नाम से पेज है। वहाँ पे आपको जो भी नई कार आती है, जो भी नई रील्स आती है भाई की, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको उनका अपडेट देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर इसकी डिटेल हो गई, अब आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ गाइस, ये गाड़ी रेंज रोवर वेलार आज के टाइम पे, ये भी भाई नमन भाई इसके हम बात करें, बहुत डिमांड में है गाड़ी है। ये बिल्कुल करंट वाली है भैया, जिसमें गियर नॉब चेंज हो गया था, ओडोमीटर में डिफरेंस आ गया था, एंड इसकी सनरूफ चली गई थी, मूनरूफ आ गई थी। ये वो वाली गाड़ी है, 2021 मॉडल है, डीजल वेरियंट है, आर डायनेमिक टॉप एंड वेरियंट है, और 21,000 के अप्रॉक्स गाड़ी चली हुई है। इसके हम आसिंग कर रहे हैं 92,75,000 और गैस 21,000 चली है। बहुत मतलब मैं ऑनेस्टली तो मैं खुद भी भाई कवर करता हूँ, तो मैं लाइक मैंने खुद भी कवर किया है 40,000-50,000 चली हुई है, लाइक बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यूएसपी रहता है कि हमने लेस ड्रिवन कार्स ही देनी है। अभी तक आपने जहाँ से यहाँ तक देखी है लेस ड्रिवन ही थी ऑलमोस्ट। कुछ कुछ गाड़ियाँ होती हैं हम कहीं कस्टमर से हमें वापस लेते हैं, कोई हमारे कस्टमर को हमने पहले दी होती है, या फिर कोई गाड़ियाँ होती है इंटैक्ट कंडीशन में होती है, थोड़ी सी ज़्यादा चली भी हम ले लेते हैं। अब मैं लाइक जैसे 2014 मॉडल की बात करूँ, मैं कहने को 14 मॉडल है, लेकिन आप उसकी कंडीशन देखोगे ना, अब उसका अगर मैं बोले ना, अगर आप चला के देख लोगे ना, आप ये नहीं कह सकते भाई 2022-23 मॉडल की फील देगी पूरी गाड़ी वो। अब इसकी हमने बात करी, आपने 92,75,000, ठीक है जी। और गाइस बता दूं, वेलार एट अ टाइम मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, और आपको पता है यहाँ पे एट अ टाइम अवेलेबल है, मॉस ग्रे कलर में अवेलेबल है। बाकी आप आओ गाड़ी को देखो, गाड़ी बहुत आपको वेल मेंटेन मिलेगी। ऑटो बेस्ट टेम्पोरे में आपको ये बता दूँ, चाहे आप यहाँ पे अगर हम बात करें एट अ टाइम ऑटो बेस्ट टेम्पोरे पे, एक क्या अमाउंट से लेके हाईएस्ट कितने तक की गाड़ी एट अ टाइम अवेलेबल है, लिमिटेड अमाउंट डिपेंड करता है कि कभी कभी कुछ गाड़ियाँ कम भी आ जाती हैं। अभी जो करंट पॉकेट साइज चल रहा है, मैं आपको बता दूँ 20 से स्टार्टिंग है, जिसमें हमें Q3 एंड GLA मिल रही है। स्टार्ट होते होते 25, 30, 35, 40, मतलब ये पूरी रेंज, फिर लास्ट आपने उरुस देखी है वहाँ तक जा रही है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, मतलब एट अ टाइम 20 लाख से लेके 4,50,00,000 तक की कार्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको Q3 या GLA भी चाहिए तो उनके भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वो आप भाई से जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको कैटलॉग भाई दे देगा, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे इसकी डिटेल हो गई। अब गाइस सबसे पहले ये गाड़ी दिखाते हैं, बिल्कुल ये गाड़ी जो है भाई, ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि अनरजिस्टर्ड कार है, और ये आपका स्पोर्ट्स वेरियंट है GLC 43 AMG, और सबसे बड़ी बात ये है आपकी अनरजिस्टर्ड गाड़ी। सो जो भी ये गाड़ी लेता है द फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर जी। सो भाई इसके बारे में कुछ बताओ यार। लोग कहते हैं कि कम चली तो ला देते हो, ऑप्शन ला देते हो, कुछ नया भी लाओ। अब हम नई गाड़ी भी ले आए हैं, कस्टमर बनेंगे फर्स्ट ओनर। गाड़ी चली हुई है 9,000 किलोमीटर, 2022 मॉडल है, पैन इंडिया बिलिंग, मतलब कहीं की भी रजिस्ट्रेशन कराओ आप वो पॉसिबल है इसमें हो जाएगी। एंड इसके हम आस्किंग कर रहे हैं 84,75,000 एक शोरूम। ओके ठीक है, एंड वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट का बंदा लेता है, उसको डिपेंडिंग अपॉन दैट कि वो कितनी उनकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वहाँ पे वो लगेगी, ठीक है। सो गाइस ये देख लो, अनरजिस्टर्ड गाड़ी अवेलेबल है, अगर कोई मेरा भाई इंटरेस्टेड है लेने में तो एक ऑप्शन बहुत अच्छा अवेलेबल है। सिनेमैटिक्स में आपने पूरी गाड़ी देखी है, अंदर से पूरी वेल मेंटेन्ड, आई थिंक इसमें अल्कांटारा लेदर मिलता है। हाँ जी ठीक है, इसमें हमारे पास रजिस्टर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है, 2021 मॉडल है, और वो भी 1,800 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, उसकी भी आस्किंग हम 82 के आसपास कर रहे हैं। तो वो भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, अनरजिस्टर्ड नहीं लेना चाहते या कलर दूसरा लेना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। मैं भाई सही ने, भाई ने बात सच बोली थी भाई कि हर गाड़ी में ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब अगर ये नहीं चाहिए तो एक और भी ऑप्शन अवेलेबल, रजिस्टर्ड भी ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ऑप्शनों की कमी नहीं है। आप आओ, आपका बजट जैसा है आप आओ, भाई से डिस्कस करो, उसके हिसाब से भाई आपको प्रोवाइड करवा के जोड़ देंगे, ठीक है ना। सो गाइस नेक्स्ट अप आपके आ चुके हैं पोर्श काइन, ब्लैक एडिशन है भाई, पूरी गाड़ी ब्लैक है, अलॉयज भी ब्लैक है पूरी, बिल्कुल तो पूरी ब्लैक करा रखी है, ये करवाई हुई है ब्लैक। अच्छा सो भाई इसी का डिटेल होगी, ये है 2016 मॉडल, 40,000 अप्रॉक्स चली हुई है कार, और इसके हम आस्किंग कर रहे हैं 58,75,000 ओनली। ओके अब इसमें भी हमारा ऑप्शन है, ये गाड़ी है 16 मॉडल, हमारे पास एक 2022 मॉडल भी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4,000 किलोमीटर चली हुई है, करंट शेप है, आस्किंग उसकी हम कर रहे हैं 139,75। मैंने बोला ना भाई के तो ऑप्शन सब में अवेलेबल है, जैसे जैसे गाड़ी में उड़ोगे भाई ऑप्शन देता रहेगा, ठीक है। इसकी डिटेल हो गई। अब गाइस नेक्स्ट अप आपकी आ चुकी है, ये है आपकी GLE 43 AMG। भाई नमन भाई इस गाड़ी में पावर बहुत है, पावर अमेजिंग, जो गाड़ी का साइज है, मतलब ह्यूज साइज है गाड़ी का, आप अगर रोड पे लेकर निकलते हो तो अलग ही इसका एक हेड टर्नर कार कह सकते हैं इसके, अलग ही है बिल्कुल। 3000cc इंजन है, पेट्रोल वेरिएंट है, AMG कार है, और गाड़ी जो है 19 मॉडल है, 30,000 के अप्रॉक्स गाड़ी ड्रिवन है, इसके मासिंग कर रहे हैं 77,75,000 जी। इसमें ऑप्शन मिलेगा, इसमें करंटली अभी ऑप्शन नहीं है, फिलहाल यही है, बट कूप में हमारे पास अभी 4 ऑप्शन इस टाइम अवेलेबल हैं। GLC कूप में 2 ऑप्शन हैं, GLE कूप में 1 ऑप्शन है, और एक X4 में ऑप्शन है, ठीक है, X4 में अवेलेबल जी। सो अगर आपको GLC में नहीं जाना तो X4 का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। GLC
220D है। अब मैं भाई के बोलने से पहले ही बता दूं, पेट्रोल वेरिएंट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वो व्हाइट कलर में आने वाली है, कलर में भी ऑप्शन है, व्हाइट कलर है। हाँ सही बात है भाई। तो GLC 220D भाई, सबसे पहले मॉडल की हम बात करेंगे यार। ये भैया 2020 मॉडल है और चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली 24,000 के अराउंड। इसके हम आसिंग कर रहे हैं 59,75,000। ठीक है, अब जो पेट्रोल वेरिएंट आ रही है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली वाले भाई हमारे पेट्रोल मांगते हैं, वो भी जो डिटेल दे दो भाइयों को। पेट्रोल कार है, व्हाइट कलर की कार है, 21 मॉडल है और चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के अराउंड और उसके आसिंग है 6275। ओके, और गैस अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो भाई का नंबर प्रोवाइडेड है वहाँ पे, आपको उसकी पिक्स एंड आपको डिटेल्स बाकी मिल जाएंगी। ठीक है, अब गैस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है ऑडी A4। ये गैस जो आपकी गाड़ी है डीजल वेरिएंट में आपकी कार होने वाली है भाई, इसी क्या डिटेल होगी यार? A4 है भैया 2018 मॉडल, टेक्नोलॉजी वेरिएंट है, टॉप एंड काफ़ी डिमांड में रहती है गाड़ी एंड गाड़ी जो है अप्रॉक्सीमेटली चली हुई है 19,000 के अराउंड। इसके मासिंग कर रहे हैं 28,75,000। ओके ठीक है। सो गाइस फिलहाल आज के लोगों में मैंने आपको ये सारा नमन भाई के साथ कलेक्शन दिखा दिया है। आपको कोई भी कार के रिगार्डिंग क्वेरी है, नंबर आपके सामने प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपको क्वेरी है। प्लस शोरूम यहाँ पे विजिट करना चाहे, 7 डेज ओपन रहता है, 7 डेज ओपन है शोरूम। ठीक है, और बाकी गाइस दोनों शोरूम के मैंने आपको लोकेशन बता दिया है। जो इनका शोरूम नंबर 1 है वो हल्दीराम के ऊपर है, वो आपका शोरूम, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अपोजिट है। बाकी आपको दोनों के शोरूम के जो लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड भाई जाने से पहले भाई के लिए क्या बोलना चाहोगे यार? बस यही कि हमारी गाड़ियाँ सारी किसी भी तरह की कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं होती है, कंडीशन की पूरी श्योरिटी है, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। एंड आपको जैसे मैं बताया ऑन पेपर गारंटी है एक एक गाड़ी की, वो तो है भाई। तो आपको बस करना यही, अगर कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8885886 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जो कि है www.autobase.co.in और हमारा इंस्टाग्राम पेज तो ऑलवेज अवेलेबल है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है सबसे पहले अपडेट मिलता है, क्योंकि वीडियो आने से ही सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट आता है कि कौन सी नई कार इनके स्टॉक में ऐड हो रही है, तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और मुझे फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको जितनी भी आप यहाँ पे कार्स देखते हो उन सबकी रील्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? सो गाइस आई होप वीडियो आपका अच्छी लगी और शोरूम सेकंड जो था ऑटोबेस एम्पोरियो का अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा भाई का नया शोरूम, कमेंट करके बताना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट टाइम वीडियो लाने वाले हैं वो आपकी बहुत ही रीसेंट लाएंगे और आपको जो दिखाएंगे मल्टीपल गाड़ियों का स्टॉक देंगे, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शंस हैं तो आपको ऑप्शंस ही दिखाएंगे। चलो हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो का, तो वेट कीजिए, वो भी आपको जल्द दिखाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।